के साथ उत्तराखंड कैबिनेट में 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। योजना आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है। कौशल विकास विभाग की नियमावली स्वीकृत। अनुदेशक नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट नियमावली को मंजूरी मिली है। चीनी मिल गदरपुर की भूमि किसी को नहीं दी जाएगी। इच्छा में 100 एकड़ जमीन में खोला जाएगा एम्स अस्पताल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो नियमावली है उसको 6 महीने आगे बढ़ाया गया है। विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी मिली है। मोबाइल टावर लगाए जाने की शुल्क में राहत दी गई है। कौशल विभाग और सेवायोजन नियमावली को मंजूरी मिली है। रोपवे के टर्मिनल की ऊंचाई बढ़ाने को भी मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल में भी ई ऑफिस को लागू किया गया है। तो देखिए 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। नैनीताल में एक भूमि के लैंड को मंजूरी मिली। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जैसे देहरादून में मेट्रो का प्रस्ताव है तो जहां मेट्रो स्टेशन आएंगे वहां बड़ी बिल्डिंग ऊंची बिल्डिंग की अनुमति दी जानी है, जो भारत सरकार ने पॉलिसी अपनी एक सर्कुलेट की है ताकि ज़्यादातर लोग मेट्रो स्टेशन के पास ही रहें और वहां से फिर गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं, पैदल ही मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे और मेट्रो स्टेशन से ही अगले स्टेशन तक चले जाएंगे। तो सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग या बाकी तरह की बिल्डिंग को ज़्यादा एफआईआर देने वाली नीति को स्वीकृति दी गई। देहरादून से पंकज पवार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है और आखिर क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में, क्या जानकारी सामने आई? देखिए 36 फैसलों पर मोहर लगी है और उनमें से ज्यादातर जो फैसले हैं उनको आज पास कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है देहरादून की जो मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास जो बनेंगे आने वाले समय में उसकी जो डीपीआर केंद्र को भेजी गई है, उसमें एक और चीज का ऐड किया गया है कि ऊंचे भवनों को बनाने की उसमें अनुमति दी जाएगी और उसमें एक साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर ऊंचे भवन रहेंगे तो फिर नीचे सड़कों पर भीड़ भाड़ कम रहेगी, मेट्रो टू मेट्रो ही लोग अपना आ जा सकेंगे। तो इस तरीके की एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी अगर कहा जाए तो देहरादून में जो रोपवे का टर्मिनल है उसको लेकर भी उसमें भी शिथिलीकरण किया गया है। काफी ऊंचा उसका टर्मिनल बन रहा था क्योंकि उत्तराखंड में इतनी ऊंची अगर कहा जाए तो ऊंचाई को मान्यता नहीं है, तो उसको देखते हुए उसको भी शिथिलीकरण दिया गया है। लगभग अगर इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि 100 एकड़ की भूमि भारत सरकार को निःशुल्क दी जाएगी ताकि एम्स का सैटेलाइट सेंटर कुमाऊं के किच्छा में बन सके। तो कुल मिलाकर कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो जनहित में हैं और आने वाले समय के विकास को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। देहरादून से ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है।